ये जी पेट्रोल डलवाते गए, हमारी गाड़ी बंद हो गई है, ये क्या चक्कर है, ये कैसा पेट्रोल था। खैर आज का था जी भाइयों बहुत ही बैड सीन, सही है जो सच्ची बात मैं आपको बताऊं। खैर कोई नहीं, जिंदगी में अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप साहब, उम्मीद है सब खैर खरीत से होंगे। तो भाइयों आज नहीं गए हम बरकाऊ आर एक्स 8 की तरफ, आज जो है ना फाइनली मर्सिडीज हमने निकाल ली है। सब भाइयों को इंतज़ार था, बहुत सारे भाइयों ने मुझे मैसेज भी किए थे कि भाई लाल परी फैजी की किधर गई, तो भाई इधर ही है, अभी उसी में बैठे हैं। तो साउंड आपको हल्का फुल्का अभी सुना देते हैं, ये चेक करो जी ज़रा रेश ज़रा मारो जी, फ्री का साउंड है जी बाबा जी, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। तो खैर पेंट हो गए अभी जा रहे हैं, तो आराम से जाके ना दिखाते हैं आपको कोहिस्तान जा रहे हैं भाई। और टाइम एक मिनट देख लें हम, जरा 6:30 हो गए हैं, ठीक है। और एक बार बाजार है, रश चेक कर लो, तो आगे जाके आराम सुकून से आपको पूरी डिटेल बताते हैं क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना, और पेंट का भी आपको जो है ना बता देते हैं, सही है दिखा देते हैं, सॉरी बताते नहीं। तो दूसरी बात ये शहजादों की गाड़ी का ना बहुत सारा काम है, देखो सीटें सारी जो है ना मलिक जी ने उड़ा दी हैं, ठीक है। ये अभी जिसमें हम बैठे हैं ये भी उड़ाने लगे थे, पर मैंने क्या यार सब्र करो व्लॉग बना लें, ये पूरी गाड़ी जो है ना अंदर से जो है ना वॉश होगी, ठीक है। ये जो सीटें हैं ये सारी जो है दे देंगे सर्विस स्टेशन पे, फिर आपको पता है सूखने में 2 से 3 दिन तो लगेंगे। पेंट तो मुझे बहुत पसंद आया है, उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। अच्छा हमको सिखा दिया है, अंधेरा पड़ रहा है, जल्दी से चलते हैं, बस इधर बाजार है उसकी वजह से जो है ना ट्रैफिक है। तो चल के आपको ना पेंट आराम सुकून से दिखाते हैं, मेरा दिल था यार धूप के टाइम जरा बाहर जाते तो ज़रा शाइन आती पेंट में, तो आप लोग देख के ज़रा ना एंजॉय भी करते, खैर अभी भी अच्छा लगेगा कोई नहीं। मलिक जी फिर और रज गए आप या अभी और उम्मीद बाकी है? नहीं रजे नहीं है। अच्छा बस गर्मी से बुरा, और बस ये गर्मी बहुत तंग करती है, दुआ करो यार बारिशें हों, अच्छे अच्छे काम किया करो कि बारिशें हों, मैं पहले भी हजार दफा कह चुका हूँ। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारे अच्छे और बुरे व्लॉग आप तक आते। ट्रैफिक से निकलते निकलते हमारा पसीना निकल आया है, खैर सूरज भी जा रहा है, हमें जल्दी पहुंचना चाहिए, पर ये जो ट्रैफिक है जी ये कहती है कि नहीं नहीं आप लोगों को आराम से जाना चाहिए। तो मेरा दिल है खान को कॉल करूँ, तैयब से पूछूँ, वो कोहिस्तान में ही होंगे, ठीक है। पहले मेरे घर के बाहर खड़े थे। कौन? कॉल करो तू जरा उनको, कॉल करने पे मकमैन डेरे से आ रहे हैं। अच्छा देखो मैं कॉल करता हूँ। मैंने सुना है जी पेट्रोल महंगा हो रहा है 10 रुपए, खैर डलवा लो शहजादो, ये रश मश देख लो ठीक है ना, ये चेक करो अभी और हो जाएगी तो डलवा लो जल्दी से, इस हुकूमत का पता नहीं है क्या पता 100 रुपए महंगा कर दें। खैर कोई नहीं हम तो दुआ करेंगे सब खुद आयत आ जाए, अच्छे हुक्मरान आ जाए। बात तो सही है। ये जी पेट्रोल डलवाते गए, हमारी गाड़ी बंद हो गई है, ये क्या चक्कर है, ये कैसा पेट्रोल था। खैर अभी दुआ करते हैं कि चल जाए। हाँ 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 मेहरबान, नज़र लागी है भाइयों, ये देखो ये देखो ये देखो, अंधेरा पड़ गया है, गर्मी से बुरा हाल है, और ऊपर से ये हमारी अब गाड़ी भी बंद हो गई है, और अब क्या करे बंदा। बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद जो है जी हमने स्टार्ट कर लिया है, पर मज़े की बात बताऊँ मलिक जी ने चाय भी तोड़ दी है, ठीक है। ये अभी जो है ना बड़ी मुश्किल से स्टार्ट की है, ये देखो वो आधी अंदर ही फंसी हुई है। खैर अभी ये वहाँ भरवाते हैं, तैयब लोगों को मैंने इधर ही बुला लिया था, मैंने कहा पंप पे आओ यार गाड़ी बंद हो गई, बस ये हालात हैं भाइयों हमारे, देख लो फिर। आज का था जी भाइयों बहुत ही बैड सीन, सही है जो सच्ची बात मैं आपको बताऊं, अंधेरा भी पड़ गया है, अब जो है गाड़ी बिल्कुल एवान जा रही है, फिट फाट जा रही है, ठीक ठाक जा रही है। तो बस खैर है हमारे साथ कभी कभी ऐसा चक्कर हो जाता है, अब मैं यही सोच रहा हूँ, फैजी ने भी यही बोला है कि इसका सारा काम करवाने के बाद अंदर सीटों का जितना कुछ भी है, तो ये सारा करवाने के बाद लोगों वगैरह जो आगे लगवाना है, ठीक है, जितने भी छोटे मोटे काम है सारे करवाने के बाद एक दफ़ा ही आप सबको फाइनल लुक दिखाएं। तो आज मुझे फैजी ने बोला था कि एरा नहीं निकालते क्योंकि गाड़ी के काफ़ी काम है, मैंने कहा एरा अब पब्लिक को दिखाते हैं, काफ़ी टाइम से काफ़ी भाई कह रहे हैं यार अभी तक जो है मर्सिडीज़ का पेंट नहीं हुआ गया, तो सिर्फ आप लोगों के लिए निकाली थी आप सबको दिखाने के लिए। तो आगे ये सीन हो गया, चाबी भी टूट गई, पेट्रोल डलवाया चलते फिर से सही जा रही थी,
पेट्रोल डलवाया, गाड़ी बंद हो गई हमारी। अब हो गया हालत बड़ी गैर, चलते हैं इसको डेरे पे खड़ा करते हैं, उसके बाद तल्ला से मुजम्मिल से रब्ता करते हैं। शहरी तैयब और खान जो है आए थे उधर ही ना पेट्रोल पंप पे, तो पर उनके आने तक गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। वो चाबी जो है अंदर डाली है उसको वो प्लास से पकड़ के तो ऐसे सलफ मारा है, बस स्टार्ट हो गया। तो बस यार कोई नहीं, ज़िंदगी में बैड सीन चलते रहते हैं, इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है। बस गर्मी है उसकी वजह से हम बड़े तंग हो गए हैं। इधर अभी आ गए हैं फेज़ वन, जाके मलिक जी ने कुछ सोडे वगैरह का ऑर्डर दिया है, गर्मी बड़ी है, सोडा वगैरह पीते हैं, फिर डेरे पे जाते हैं, बाकी सबको बुलाते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। बस ये है कि एक दफ़ा ही इसके सारे काम करवा के ठीक है टू जी आप सबको दिखाएँगे। कल 14 अगस्त है, हमारा कोई सीन नहीं है, और परसों शायद हम और एक सेठ भी लें। तो बस साथ साथ फिर जो जो काम है इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे। देखें पसीने से जो है ना बुरा हाल हो गया। खैर कोई नहीं, ज़िंदगी में अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, तो हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। हम नहीं जा सके तो उसमें भी कोई बेहतरी होगी। और बस मलिक जी कुछ सोडा लेकर आ जाएं, पी लें तो कुछ ज़रा ना। ओ शुक्र है जी, सोडा आ गया जी, अब इसको ज़रा पीते हैं, गर्मी शर्मी दूर करते हैं, और फिर कोई हम आगे के निज़ाम देखते हैं। आ गए जी हम डेरे पे। तो हेलो ड्रैगन, कैसे भाई? ये आजकल बड़ा सैड है जी, इसकी जो पता नहीं ड्रैगू मैगू थी वो गायब हो गई है। तो ये मलिक जी खान जी पे बड़ा गुस्सा हो रहे हैं, खान जी कोई कहानियां सुना रहे हैं। स्नैन भाई इसको समझाओ थोड़ा ठीक है, इससे पहले कि हम इसको उल्टा करें। और ये श्यामा जी आ गए। अरबी लाग रहे हो कोई? या शेख में बोल के दिखाओ ना। लिसन टू मी प्लीज। नहीं ये अरबी थोड़ा ही है। हाँ जी जा रहा है। हाँ जी मेहरबानी करो ठीक है, मेरा मलिक का पहले दिमाग खराब है, हम उधर गाड़ी को धक्के लगाते रहे हैं, गाड़ी बंद हो गई थी, इसकी चाबी भी टूट गई है, लिहाजा इधर मेहरबानी करो ठीक है, फारसी ना बोला करो हमारे आगे ज्यादा। यार मैंने कोई फारसी नहीं। ओ जी बस तुम्हें समझाते हैं, तुम्हें पास इज्जत रास नहीं है, छोड़ो। अच्छा जी मलिक जी जाएं पिज्जा खाने शामे के खर्चे पे। शामे के खर्चे में ये देखो किसके मैसेज आ रहे हैं, किसके मैसेज आ रहे हैं। मुजम्मिल के क्या कहते हैं? किधर है? इसको बोलो पिज्जा खिलाओ, देखना नहीं आया। बस जी चलते हैं, पिज्जा वगैरह खाने किसी भी भाई ने खिला दिया तो घर से कॉल आ रही है यार, घर ही चलता हूँ, मेरा दिल है घर से रोटी खाऊंगा। तैयब भाई शुक्र है आप आ गए जी, बड़ी आपके आपके और शहरी के खिलाफ बातें कर रहा था, ऐसे पूछो। शकील भाई अगर ऐसा नहीं था मीठी मीठी करो तरह अच्छा सस्ते में के क्या जी बेइज्जत करवा रहे हो जी? शकील भाई ये सच्ची बातें हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, भाई मुसलमान हो गया आप। अच्छा इतने टाइम बाद आते हो, वो सच्ची बातें कर रहे हैं, तू खुश हो रहा है? सच्ची बातें छोड़ो, गलत बात कर रहा है वो। ये जुम्मे के दिन याद है वो जो कुकड़ी की तरह भाग रहा था शादी, क्या जी तैयब भाई? नहीं नहीं कुकड़ी का बच्चा नहीं होता, चुचू है के भाई मम्मी इसने तेरे बारे में बड़ी गलत बात की। बुरी बात ना करो, ये देखो इसने तेरे बारे में बड़ी गलत बात की। अपने भाइयों के साथ बैठ कर बातें करते हैं। बस जी चलते हैं घर, आज कुछ हैवी सीन हो गए थे जो व्लॉग में नहीं दिखा सकते थे। शामू को इन्होंने पका दिया है, खान को भी पका दिया है गैस करके, गजब बेइज्जती है। बस मामलात कुछ ऐसे थे कि बस आपसे शेयर नहीं कर सकते, तो अब सोच रहे हैं कि घरों को चलें, 11 हो गए हैं। तो बस आज के सारे सीन ही जो है हमारे बैड थे, तो अभी थोड़ी देर पहले कुछ और बैड होने वाले थे। ये स्नैन की मस्ती है सारी ठीक है। आज लेके जाओगे तो बैड ही सीन होंगे। किसको नहीं लेके गए हम, कहाँ नहीं लेके गए? इसकी शक्ल देखें सर, टिक मारते रहे हो। एक दफा ओए रफ ऐसे इसको बिठा लेना चाहिए था, पीछे जो सीटें नहीं है उधर नीचे इसको बिठा ही लेना चाहिए था ठीक है। क्या समझे यार, कोई नहीं लड़ेगा। तू मुझे बता टी शर्ट के नीचे बनियान कौन पहनता है? यार बनियान लुगड़ ही रह गई है। बस ही चलते हैं अभी पिज्ज़ा बेस, बस पिज्ज़ा वगैरह खा के फिर चलते हैं घरों को। आज फिर 12 हो जाएंगे, जितना कहते हैं जल्दी का आ जाया करें उतना ही लेट हो जाते हैं। खैर कोई नहीं, आए हैं जी एटीएम पे, तो ये देखें पूरा टब्बर ही एटीएम में घुसा हुआ है। ये देखो क्यों ही भाइयों गर्मी है, पर वो देखो लेसी लगाया अगले ने 24 पे। क्या बात क्या बात, ये पता नहीं जी हमारी हालत क्यों गैर हो गई है। खैर कोई नहीं चलते हैं अंदर कुछ खाते पीते हैं। मलिक जी यहाँ पे मंगाएंगे तो बस फिर चलते हैं घर।
नुकसान कर दिया यार मोमी। पिज्जा आ गया जी। कहते हैं पहले बाप की सुननी चाहिए। अच्छा जी ठीक हो गए जी, चलो और मंगा लो। स्टैन ऐसे वैसे भी हम तुम्हारे खर्चे पे बैठे हुए हैं इधर, क्यों मलिक जी। हाँ और मंगाओ चलो। बस जी चलते हैं घर, रात के बारे हमने इधर ही कर दिए। ये था हमारा आज का व्लॉग, ये था हमारा आज का बैड डे। तो बस अब जाके घर आराम करें, सोएं। रोज़ कहते हैं घर जल्दी जाएं आगे से, जब इस टाइम जाते हैं बेइज्जत होते हैं। तो लाइक कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको हमारा बैड डे कैसा लगा, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, उधर भी फॉलो कर लेना। दुआओं में याद रखना भाई को। अल्लाह हाफिज़।